पंडित जी कहते हैं गुरु जी ज्ञान से बात नहीं बनती, अगर देना है तो मेरी झोली में पुत्र डाल दीजिए, नहीं तो आप जाइए और मैं अग्नि लगा करके चिता में जल जाता हूं। संतों ने देखा कि वास्तव में ही जल जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा बेटा ठीक है तू नहीं मानता है तो ये फल ले लो, ये फल अपनी पत्नी को दे देना, तुम्हारी पत्नी फल खाएगी, गर्भ ठहर जाएगा, लेकिन कुछ नियम है इनको पालन करना, एक साल तक झूठ नहीं बोलना, एक साल तक नित्य नेम नित्य करना, शुद्ध रहना, पवित्र रहना, त्रिकाल संध्या वंदन करना, सारे नियम बता दिए। पंडित जी ने कहा ठीक है महाराज। फल लेकर के पंडित जी घर आ गए, अपनी पत्नी को कहते हैं ये फल खा लो आपके गर्भ रह जाए। मैंने बताया पत्नी उल्टा थी, उल्टा का मतलब है उल्टा सोचने वाले। ब्राह्मण देवता ने फल दे दिया, उसने अलमारी में रखा, सोचने लगी खाऊं तो मुश्किल, नहीं खाऊं तो मुश्किल, खाने से गर्भ ठहर जाएगा। मैंने देखा है जब तीसरा महीना होता है औरतों का बुरा हाल हो जाता है, मान लो वो भी मैं झेल लूंगी और पेट बढ़ जाएगा, आगे देवा घाटी ब्रजेगावम गर्भिणी पलायते कथम, जब घर में चोर आ गए मान लो भाई देवे, तो फिर मैं गर्भ के साथ कैसे दौड़ूंगी, और मान लो वो भी मैं झेल लूं, कभी आग लग गई तो मैं कहां जाऊंगी, अरे वो भी मैं झेल लूं तो कहीं सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष तक बैठा रहा तो मेरा क्या होगा। ऐसी कुतर्कों में फंस करके फल नहीं खाया, लेकिन चिंता में डूब रही है। एक दिन उसकी बहन आई, बहन ने कहा बहन तुम दुखी क्यों हो, उसने सारा कारण बताया, बहन मैं क्या बताऊं, तेरा जीजा कहीं से फल ले आया, कहता ये खा लो गर्भ रह जाएगा और मैं गर्भवती होना नहीं चाहती, कल को गर्भ हो गया नंद आएगी सब कुछ ले जाएगी, मैं तो अंदर पड़ी हूं। ऐसे कुतर्क करके उसने फल नहीं खाया, बहन को सारी बात बताई। बहन ने कहा मेरे पहले ही 3-4 बच्चे हैं, अभी मेरे गर्भ है, निश्चित ही पुत्र होगा, ये बेटा मैं तुमको दे दूंगी, तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है, आप मेरे लिए धन दे देना, मेरा पति मान जाएगा, तुम्हारा पति बड़ा भोला है, उसको झूठ मांस का बहाना बना दो कि मैं गर्भवती हूं, मैंने फल खा लिया, और कि ये फल का क्या करूं, कि फल सामने तेरी गाय बंधी है इस गाय को खिला दो। फल गाय को खिला दिया, झूठ मांस का धुंधली ने विचार बना लिया कि मैंने गर्भवती हो गई हूं, पति से कह दिया। एक दिन आकर के वो दिन आया, उधर उसकी बहन के पुत्र हुआ और वो पुत्र लेकर के वहां उसको छोड़ गई। उसको क्या पता था भोले पंछी को, उसने सोचा मेरे ही संतान हुई होगी, बड़ी खुशी मनाई। कुछ दिन बाद गाय के भी बेटा हुआ, दोनों का नाम रखा गया, पत्नी के नाम पर उसका नाम धुंधकारी रख लिया और जो गाय के द्वारा बेटा हुआ उसका नाम गोकर्ण रख लिया। धुंधकारी और गोकर्ण दोनों को विद्यालय भेजा गया, गोकर्ण भगवान पढ़ते हैं लेकिन धुंधकारी महाकल, चोरी करना, ऐसे वैसे काम करना, विद्या अर्जन के लिए गोकर्ण भगवान काशी चले गए। धुंधकारी पाप में प्रवृत्त हो गया, 5 वेश्याओं को घर में रखता। 5 वेश्या क्या है आप जानते हैं, 5 इंद्रियां ही 5 वेश्या हैं, सबके घर में है, मेरे भी में आपके भी सबके घर में है, सावधान रहो इनसे, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, आगे चल के बड़े विस्तार से बताएंगे शब्द स्पर्श रूप रसगंध पर, इन 5 वेश्याओं से बचो।
एक दिन ब्राह्मण देवता आत्मदेव ने देखा कि मेरी अंगूठी किसी ज्वारी के हाथ में है। पंडित जी ने पूछा, मेरी अंगूठी तू कहां से ले आया रे? उसने कहा, अंगूठी के लिए रो रहे हो? तुम्हारी घरवाली का सारा गहना मेरी घरवाली पहन रही है। कैसे? ये तेरा पुत्र जो है ना, धुंधकारी जुए में हार गया। पंडित जी को बड़ा कष्ट हुआ। आकर के घरवाली से पूछा, मेरी अंगूठी कहाँ है? धुंधली कहती है, क्या बुढ़ापे में अंगूठी पहनोगे? तो तेरा श्रृंगार हार, तेरा सोना, तेरा जेवर कहाँ है? मुझे दिखा तो दे। अब दिखाए कहाँ से? वो तो जुए में पहले ही हार गया। आत्मदेव बड़े दुखी हुए, पुत्र भी पैदा हुआ। वो बात याद आई संत की, जो कहा कि तू जबरदस्ती पुत्र मांग रहा है, तेरे साथ जन्म पुत्र का सुख नहीं है। मलाकार किसी से कुछ प्राप्त करो, सुख देने वाली वस्तु नहीं होती। जो सुख से परमात्मा देता है, उससे बड़ा आनंद होता है। अच्छा दिया है, अच्छे को भोग लो। बुरा दिया है, तो बुरे को भी भोग लो। क्योंकि परमात्मा की हर कृत्य में कृपा बसी हुई है, ऐसा विचार के चलना चाहिए इंसान। एक बार वो लोग बांके बिहारी लाल की जय। बड़े दुखी बैठे हैं ब्राह्मण देवता। इतने में ही गोकर्ण भगवान तीर्थ यात्रा करके पधारते हैं। पिताजी से मन मलिन पिताजी का देखा तो पूछा। पिताजी ने रो रो करके सारी कथा अपने पुत्र गोकर्ण को सुनाई। गोकर्ण ने कहा, पिताजी जिस वस्तु पर अपना अधिकार नहीं, उसके लिए क्या रोना? देह अस्ति मा सरुदिरै अविमतिंत जत्वं जाया सुता सुसुदा ममता विमुंच पश्यानि चं जगदिदं चंगणमंगुनिष्ठं वैराग्य राग रसको भवभक्ति निष्ठः। हे पिताजी, शरीर की ये हड्डी मांस का पुतला है, कुछ नहीं है इसमें। किसी कवि ने गाया है बड़ा सुंदर, छोटा सा एक पैरा गाऊंगा। चोला है बेकाम भजन बिनु, चोला है बेकाम, चोला है बेकाम भजन बिनु, चोला है
किसी मतलब का शरीर नहीं है, ये भगवान की भक्ति नहीं है। तो देह अस्थिमा सरुदरम, क्या भरा हुआ है? मल और मूत्र भरा हुआ है। नर्तन चोला है वे का, भजन बिन चोला है वे। बिन हरि भजन पवित्र न होगो, चाहे धोवो आठो या चाहे गंगा नहाओ, चाहे यमुना नहाओ, चाहे कितने भी तीर्थ करो, जब तक परमात्मा के नाम की डुबकी नहीं लगेगी, जब तक ज्ञान गंगा में गोता नहीं लगाओगे, तब तक ये चोला सफल होने वाला नहीं है। इसलिए पुत्र, देखिए पुत्र किसको कहते हैं, एक बात मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। मैं एक बात बताई देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कि मेरे पास कोयल की आवाज नहीं है, मेरे पास कोयल की आवाज नहीं है, लेकिन शायद वो कथा सुनाएंगे आपको जो आजकल के वक्ता नहीं सुनाते। आजकल के वक्ता केवल सुंदरता पर जाते हैं कि कैसे सुंदरता बनेगी, कहां से सुंदरता बनेगी, और ज्ञान को छुपा जाते हैं, वैराग्य को छुपा जाते हैं, केवल भक्ति। तो भक्ति तो पहले ही जागृत है, परमात्मा की कृपा। पुत्र में बता रहा था क्या होता है पुत्र, पोह प्लस्तर दो शब्दों से पुत्र बन रहा है। पोह का मतलब है नरक, पुत्र का मतलब है तारने वाला, पुत्र का मतलब हुआ नरक से तारने वाला। एक जगह लिखा है एकोपि धर्मात्मा पुत्रः सर्वं तारयते कुलम्, एक ही धर्मात्मा पुत्र सारे कुल को अपने पुण्य की नाव में बिठा के भवसागर से पार कर देता है। इसलिए पुत्र से यहां भी सुख मिलता है, किसका बेटा है, फलाने का बेटा है। इतना आनंदित होता है पिता जब पुत्र की बड़ाई होती है, जब पुत्र की प्रशंसा होती है, तो पिता को कितना सुख मिलता है, कितना आनंद मिलता है। तो यहां भी सुख, वहां जाओ तो वहां भी सुख, क्योंकि पुत्र जब तर्पण करता है, पुत्र जब यज्ञादि कर्म करता है, तो वहां भी सुख मिलता है। इसलिए पुत्र का अर्थ है पुह नाम के, नाम के नरक से तारने वाला ही पुत्र होता है। और वो पुत्र गाएगा जिसने पिता के भवसागर से तरने में मदद नहीं की। सारी दुनिया घूम करके गोकर्ण भगवान ने जब देखा मेरा पिता अब ग्रस्त रूपी कीचड़ में फंसा हुआ है, तो ज्ञान देने के लिए पुत्र चले आए और कहा पिताजी जाया सुता सुसदा ममता भूषण। ये पुत्र पुत्रियां सब एक दिन तुमको छोड़ देंगे, क्यों ना तुम पहले से ही छोड़ दो इनको, इनसे सुख मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पश्चानिशम जगदम क्षण भंग निष्ठ, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, ओ मलिया गिर की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कल काल उठार लिए फिरता ये तन नम्र है चोट झिली न झिली, हो भजले हरि नाम हरि रसना तेरे अंत समय पे हिली न हिली, भजले हरि नाम हो हरि रसना तेरे अंत समय पे हिली न हिली। जीवन क्षण भंगुर है, पता नहीं कब क्या हो जाए,
कई कहते हैं हम तो जाकर के बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे, अभी तो जवान है, अरे बुढ़ापा किसने देखा है। एक भजन कोई आ रहा था, मैं सुन रहा था, गुनगुना रहा था, कोई हरि भजन करे भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। सुनाया भजन करे भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करे भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आइए भरी जवानी में बुढ़ापा किसने से। पिता कहता है फिर क्या करूं मैं, तू कहता है ये छोड़ दे वो छोड़ दे, धर्मम भजसु सततम त्रजमान, क्या 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 करूं मैं, मेरे को रास्ता तो बता बेटा। तू कहते हैं धर्मम भजसु सततम त्रज लोक धर्मान। पिताजी
लगातार धर्म का सेवन करो, संसार के धर्मों को त्याग दो। कौन क्या कर रहा है मत देखो, दूसरे के अवगुणों को मत देखो, दूसरा क्या कर रहा है अपने को देखो, मैं क्या कर रहा हूं। सेवा कथा रसम हो नितराम पिवत्वम, लगातार कहीं से परमात्मा की कथा रूपी रस मिले तो उसका पान करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान का भजन करो, छोड़ दो सब जंजाल, जंजाल सारा छोड़ दिया। पिताजी चले गए और अपने शरीर को परमात्मा को समर्पित कर दिया प्राणायाम आदि के द्वारा। गोकर्ण भगवान अपनी तीर्थ यात्रा पर चले गए, धुंधकारी निर्धुंध हो गया। एक दिन गला पकड़ लिया, माँ का बोल तेरे पास क्या है, देती क्यों नहीं है, किसके लिए रखा है। बड़ी दुखी हुई, कुएं में गिर करके माँ मर गई। माता पिता को कष्ट देना सुखदाई तो नहीं होता कभी किसी के लिए, कोई कहे कि सुखदाई हो जाए, नहीं नहीं। पहले गुरु पिता और माता जो है रक्त बिंदु के दाता, सबसे बड़े पूजनीय तो माता पिता ही होते हैं जिन्होंने अपने रक्त बिंदु के द्वारा ये शरीर हमको दिया है। माता के कर्जे से कोई उलण नहीं हो सकता, पिता के कर्जे से कोई उलण नहीं हो सकता, लेकिन उस माता को गला दबा करके मार दिया, निर्दुंध हो गया। घर में ही वेश्याओं को ले आया, रखता है बड़े आनंद से। धन खत्म हो गया, एक दिन राजा के यहाँ चोरी की, वेश्याओं ने समझा ये आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, भंडा फूटेगा, हम भी मारे जाएंगे, ये भी मरेगा, इसलिए इस राज को राज ही रहने दो। उन्होंने रात को बांध दिया और बांध करके उसको आग से जला जला के मार दिया। तड़प तड़प के प्राण निकल गए, वेश्याएं माल खजाना लेकर के गायब हो गईं। एक दिन भ्रमण करते करते गोकर्ण भगवान को जन्मभूमि की याद आई। हर किसी को अपनी जन्मभूमि की याद आती है, कोई नहीं भूलता है। गोकर्ण भगवान एक दिन सो रहे थे अपने उस टूटे फूटे मकान में, सारी कथा पता लग गया। तो रात को कभी भैंसा बन के, कभी सांप बन के, कभी अग्नि बन के गोकर्ण भगवान को डराता है धुंधकारी। गोकर्ण भगवान समझ गए कि ये कोई दुर्गति को प्राप्त जीव है। उन्होंने जल लिया कमंडल से, अवशिष्ट करके उस पर छोड़ा और पूछा तू कौन है। तो उसने रोके कहा भैया मैं तेरा भाई हूँ, धुंधकारी इत नाम रखा, मेरा धुंधकारी नाम तेरा भाई हूँ, अपने बुरे कर्मों के प्रताप से दुर्गति में पड़ा हूँ, मेरे भाई मेरा कल्याण कर। वो कहने लगे मैंने तो तेरे लिए गया जी में जाके श्राद्ध कराया है, फिर तेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ। धुंधकारी कहता है महाराज इन पर मेरा अधिकार नहीं है क्योंकि मैं प्रेत योनि में पड़ा हूं, मेरे लिए कुछ और कराइए आप। क्या कराएं सोचने लगे, सूर्य की उपासना करते थे सुबह, सूर्य देवता से पूछा, सूर्य देवता ने कहा भागवत सुनाइए कल्याण हो जाए। यही भादों का महीना, यही भादों का महीना गोकर्ण भगवान ने कथा सुनाई। धुंधकारी वहीं कहीं जगह नहीं मिली क्योंकि अनाधिकारी तो था ही, सूक्ष्म रूप धारण करके किसी बांस में बैठ गया। आज भी वो बांस बांधते हैं, वो प्रथा पुरानी चली आ रही है। उस बांस में बैठ गया, पहले दिन की कथा सुनी, पहली गांठ फट गई, दूसरे दिन की दूसरी, तीसरे दिन की तीसरी, चौथे दिन की चौथी, सातवें दिन सारी बांस फट गया। दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी मध्य सभा में प्रकट हो गया, चारो भुजा धारण करके, चार भुजा लेकर के, सब लोग देखते ही रह गए। इतने में विमान भी आ गया,
धुंधकारी ने भैया से कहा, मेरे भाई तुमने मेरा कल्याण कर दिया, लेकिन मैं ते कभी सदकर्म तो किया नहीं, स्वर्ग में जा रहा हूँ, अच्छे लोगों के पास बैठने के लिए अच्छी बुद्धि भी तो चाहिए, इसलिए मुझे कुछ उपदेश दो। गोकर्ण भगवान ने उपदेश दिया और वो चतुर्भुज होकर के जब जाने लगा तो श्रोताओं ने वहां पर जो है नया बवंडर खड़ा कर दिया। श्रोता कहने लगे, देखो महाराज, ये तो प्रेत है, अनाधिकारी है, ये तो सुनकर के कथा वैकुंठ में जा रहा है, लेकिन हम तो अधिकारी होते हुए भी वैकुंठ में नहीं जा रहे हैं, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया है? विमान का मतलब जानते हो ना? क्या मतलब है विमान का? पता है, जहाज यही है ना, ये नहीं है विमान का मतलब। एक होता है मान और एक होता है विमान। जो मान से मुक्त है उसी के लिए विमान आता है, जिसको मान है विमान नहीं आता। एक बार बोलो के बिहारी लाल की, हम तो गए थे राधा कृष्ण धाम में जी, एक दिन पंडित जी वो शिव मंदिर वाले बैठे कथा कर रहे थे, किसी ने हमको पूछा ही नहीं, ये मान है, ये क्या है मान? अब ये मान है तो विमान कहां से? अरे विमान तो तब आएगा जब मान को कहीं ताक पे रख दोगे। जब तक मान है तब तक विमान नहीं है, इसलिए मान को त्यागना होगा, विमान जरूर आ जाएगा, और मान होगा तो विमान कभी नहीं आएगा। गोकर्ण भगवान ने कहा, इनसे ही पूछो भाई, ये विमान अकेले के लिए क्यों लेके आए हैं, तुम लोगों के लिए क्यों नहीं आए लेके आए? तो पूछा भगवत भक्तों से, भगवान के पार्षदों से, बताओ ये श्रवण वेद क्यों कर दिया आपने? कहले, श्रवण वेद हमने नहीं किया, तुमने किया है। हमने कैसे किया है कि कथा तो पंडित जी सुना ही रहे थे, किसी का तो मोबाइल चल रहा था, बाजार का भाव ले रहा था, किसी का मन कहीं रखा था, किसी का मन कहीं रखा था, लेकिन इस धुंधकारी ने सर्वस्व परित्याग करके एक मन से कथा सुनी, इसलिए अनाधिकारी होने पर भी प्रेतत्व से मुक्त होकर के विमान पर बैठ करके वैकुंठ चला गया। अगर तुम भी इसी भाव से कथा सुनते तो तुम्हारे लिए भी विमान आ जाता। तुमने नियमों का पालन नहीं किया तो कहने लगे, अब कथा करो दोबारा, हम नियमों का पालन करेंगे, और नियम हमको बताइए। क्या नियम? कथा के नियम बताइए। बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय हो। आइए नियम सुनिए, क्या नियम है भागवत कथा श्रवण करने के? नियम क्या है, कैसे सुननी चाहिए भागवत? सबसे पहले तो ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए जिसको लालच ना हो। माफ करना मुझे, आजकल की कथाएं कथाएं नहीं होती, सौदाबाजी होती। बाबूजी बैठे हैं, एक दिन हम भी वृंदावन में किसी के पास थे, बाबूजी साथ थे, जो कथा तो पंडित जी ने मांगे इतने पैसे, हमने कहा इतने नहीं, तुम इतने दे देना। बताओ ये कथा है, मुझे बताइए ये कथा है क्या? कथा हम भी करते हैं, कभी मांगते नहीं है, कभी नहीं मांगते, कोई भी बता दे, कहीं भी मांगे हो, हाँ एक बात जरूर मांगेंगे, ये साजी आए हैं वृंदावन से, इनकी जरूर मेहनत इनको चाहिए, ये ब्राह्मण भजन कर रहे हैं, इनकी मेहनत इनको चाहिए, चाहे इतनी कुछ कर दो, चाहे लाख से करो, ये आपकी मर्जी, लेकिन हमने कभी किसी ने अपने लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर ज्ञान की कोई कीमत है तो क्या कीमत है? अरे गुरु को दीजो कहा परम निधि जासो पाई, क्या दे सकते हैं जिससे परम खजाना प्राप्त हुआ, जिसे बोधन प्राप्त हुआ, जिस धन की बराबरी संसार में कुछ नहीं है, उसको क्या दे सकते हैं हम?
क्या पैसा दे सकते हैं, क्या सोना दे सकते हैं, क्या चांदी दे सकते हैं, किस चीज से दे करके हम उसको खरीद सकते हैं। ज्ञान की कोई कीमत संसार में न है, न होगी और न रही है। ज्ञान अमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए कभी कथा के निमित्त किसी ब्राह्मण को सौदागिरी नहीं करनी चाहिए। और इन्हीं से हमारा ये ज्ञान जो है रसासन के लिए जा रहा है कि सौदाबाजी होती है, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। तुम कथा सुनाओ, हम सुनते हैं। तो पहली बात तो ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए जो निष्प्रय हो, लालची नहीं हो, वेद शास्त्रों में अच्छी पैंट हो, वेद शास्त्रों में अच्छी पैंट हो, ताकि हमारे संशयों को निवारण कर सके, हमारे संशयों को दूर कर सके। अब जिसकी दुकान में कुछ होगा ही नहीं तो बांटेगा क्या भाई साहब, हैं? इसलिए ऐसा होना चाहिए जिसकी जिसकी शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में अच्छी पैंट है, शुद्ध है, सात्विकी है, वैष्णव है, वैष्णव भी होना चाहिए उसको, परम वैष्णव है। तो ब्राह्मण का चयन करने के बाद समय का चयन करना चाहिए, समय का चयन करने के बाद नियम धारण करने चाहिए। सबसे पहली बात तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। अब आजकल का समय कुछ ऐसा है, इसलिए वो अधः सय्याम यानी जमीन पर सोना बताया है, लेकिन ये शायद आज के समय में मुश्किल है। पत्रावल्याम जब भोजनम, पत्तलों में बैठ के भोजन करना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए, कम खाना चाहिए ताकि कथा में नींद नहीं आ जाए। और जब मतलब आए भगवान का संकीर्तन करना तो निसंकोच होकर के कीर्तन करना चाहिए। भगवान को प्राप्त करना है तो एक बात में तत्व की आपको बता दूं कि मम गुण गावत पोलक शरीर पुलकित हो जाए और गद गद गिरा, गला रुंध जाए, नैनों से अश्रुओं की धार बहने लगे, तो परमात्मा की प्राप्ति में देर नहीं है। लेकिन ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। ये गुण साधन ते नहीं होई और हर की कृपा पावे कोई कोई। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है और उसी को ये कृपा प्राप्त होती है। मैं कभी अपने यजमान की बड़ाई नहीं करता था, लेकिन आज एक सत्य आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं अपने यजमान की बड़ाई नहीं करता। बहुत से लोग अपने यजमान की बड़ाई बहुत करते हैं, लेकिन मैं साक्ष के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। मेरे ब्राह्मण भी यहां बैठे हैं, बहन जी सीता, सीता बहन जी भी बैठी हैं, मेरी घरवाली भी बैठी है यहां, बहुत सारे लोग बैठे हैं। लाला जी, जब कभी भागवत की याद आती है, बात आती है, आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती है, रोने लग जाता है। यही पहचान है परमात्मा की प्राप्ति, और कुछ नहीं संसार, सब कुछ यही रहदार धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए नियमों का पालन करते हुए परमात्मा की भक्ति का जब समय आए, तुम्हें मौका मिले तो निय संकोच भगवान के लिए गाइए, नृत्य करिए और रिझाइए प्रभु को, जैसे भी रिझाया जाए, जैसे भी खुश किया जाए, भगवान खुश करिए। इन नियमों के द्वारा अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो परमात्मा की कृपा से हमको सब कुछ अवश्य प्राप्त होता है। इस तरह से
श्रीमद् भागवत पुराण का महात्म संपन्न हुआ और हम प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं। एक बार बोलिए बांके लाल की जय। हमारे फरीदकोट की ही नहीं, ये हमारे फरीदकोट की ही नहीं, ये पंजाब की ही नहीं, ये भारतवर्ष की शान है। राधा कृष्ण धाम भारतवर्ष की शान है, क्योंकि यहां से दीपक जाते हैं और विदेशों में भी प्रकाश करते हैं। झूठ तो नहीं बोल रहा मैं, असत्य तो नहीं कह रहा। यहां से दीपक जाते हैं और विदेशों में भी उनसे दीपकों से प्रकाश होता है। इसलिए इस राधा कृष्ण धाम के निमित्त आप जी जान लड़ा दीजिए, जितना भी हो सके समय दीजिए, जितना भी हो सके तन से मन से इस राधा कृष्ण धाम की सेवा करो, क्योंकि ये भारतवर्ष की नाक नहीं है, ये फरीदकोट शहर की नाक नहीं है, ये अकेले पंजाब की नाक नहीं है, ये हमारे पूरे भारतवर्ष की नाक है। कि विदेश से बंदे आते हैं ये संतान, और यहाँ से संतान लेके जाते हैं, जो फेंकते हैं उनको उठाते हैं राधा कृष्ण धाम वाले, और जिनके घर में संतान नहीं है, जिनके कुल में दीपक नहीं है, उनके कुलों में दीपक जलते हैं इस राधा कृष्ण धाम से। इसलिए ये कोई तीर्थ से कम नहीं है स्थान, इस स्थान की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, और इस स्थान को जो चला रहे हैं संचालित कर रहे हैं मैं उनकी भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। एक बार नहीं, बार बार नहीं, हजार बार प्रशंसा करता हूं। प्रथम अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, इसमें 19 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में मैं पहले से ही विवेचन कर देता हूँ हर अध्याय का, और 809 श्लोक है इसमें। ये अधिकार का स्कंद है, अधिकार, क्योंकि बिना अधिकार के कोई वस्तु किसी चीज को प्राप्त करता है व्यक्ति, वो उसको फलीभूत नहीं होती, इसलिए अधिकार का स्कंद है। अधिकार, अधिकार क्या है कि हम अधिकारी हैं कि नहीं भागवत सुनने के लिए, भागवत सुनने के हम अधिकारी हैं कि नहीं। जब मैंने पहला प्रश्न प्रारंभ किया, पहला वक्तव्य प्रारंभ किया, तो ये कहा कि सिंगनी का दूध दहने के लिए सोने का पात्र चाहिए। क्या आपके पास इस कथा को सुनने के लिए स्वर्ण पात्र है? अगर है तो फिर धन्य हैं आप, और कथा के अधिकारी हैं आप, और कथा सुनेंगे तो कथा में से बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप अधिकारी नहीं हैं तो कथा भी आपके लिए कथा ही है, ठीक है। इसलिए अधिकार का है, और इसमें समझदारी से ग्रहण करना, संवैधानिक तरीके से इसको प्राप्त करना, और फिर इसको जानना, समझना। एक श्रोता के अच्छे लक्षणों के साथ में यहां पर आप बैठे, अच्छे लक्षणों के साथ, अच्छी श्रोता वर्ग। एक श्रोता होता है जो सुनता है, सुनने की क्रियाएं आगे भी बताएंगे हम, बार बार बताएंगे। श्रवण, कीर्तन, मनन और निध्यासन, ये चार क्रियाएं होती हैं। सुनिए, बार बार दोहराइए, मनन करिए, फिर उसको छांट करके साधु वैसा चाहिए। कैसा चाहिए? जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। ऐसे ही कथा में बहुत सारी, हम 3 घंटे बोलेंगे, आपको सुनाएंगे, अच्छी अच्छी बातें सब ग्रहण कर लीजिए। कोई अच्छी नहीं हो तो मेरी झोली में मुझे वापस कर दीजिए, कोई झगड़ा नहीं जी हमारा आपका है? अगर कोई बात ऐसी हो जो संवैधानिक नहीं हो तो उसको मेरे के लिए वापस कर दीजिए। इसलिए सुनिए, श्रवण, कीर्तन, मन और निध्यासन, इनके द्वारा हम इस कथा को आगे बढ़ाते हैं, प्रथम अध्याय में प्रवेश करते हैं। एक बार बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मैं एक बात और बताई देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सभी कथाओं में लंबे लंबे मंगलाचरण होते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में कोई लंबा मंगलाचरण नहीं है। क्यों नहीं है? रामायण में बड़ा लंबा मंगलाचरण है, उसमें
संतों को नमन, ब्राह्मणों को नमन, देवताओं को नमन, इंद्र को नमन, कोई नहीं छोड़ा, सबके लिए नमन किया है। पापियों को भी नमन है, दुराचारियों को भी नमन है, चुगली करने वालों को भी नमन है, सबके लिए नमन। लेकिन यहां किसी के लिए नमन नहीं, केवल भगवान के लिए नमन है। जन्मादस्य तो अन्वयादितरत अर्थस्य विज्ञस्वरा तेने ब्रह्महिदायादि कवयो मुह्यन्ति असूरय तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र यत्र सर्गो मृषा धाम्नासेन सदा निरस्तकूतं सत्यम परम धीमहि। यहाँ केवल सत्य के लिए प्रणाम किया है, सत्य को ही नमस्कार किया। अब सत्य क्या है भाई, ये भी तो जान लो सत्य क्या है। केवल सत्य बोलना ही सत्य नहीं है। सत्य है क्या? जो कल भी वस्तु थी, जो आज भी है, जो कल भी रहेगी, हम नहीं रहेंगे तब भी रहेगी, वह है सत्य। सत्यम परम धीमहि, हम उसको प्रणाम करते हैं जो सत्य है। सत्य क्या है जी? सब दुनिया जाने वाली है, सब दुनिया नाश को प्राप्त होने वाली है। जो भी पसारा दिख रहा है सब एक दिन नहीं रहेगा, लेकिन सत्य कभी मिटता नहीं है। हमारा सत्य क्या है? भगवान नारायण, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से सृष्टि पैदा होती है। और जब उनको ये इच्छा होती है कि बस अब नहीं, सबको समेट लेते हैं, फिर नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा। हमारा सत्य परमात्मा है, हमारा सत्य नारायण है, हमारा सत्य ईश्वर है, इसलिए उस सत्य को प्रणाम है। श्रीमद् भागवत के बारे में बताया है कि ये एक ऐसा शास्त्र है जो पका हुआ फल है। तो फल में तो गुठली भी होती है कि नहीं? गुठली नहीं, रसमाल है, रसों से भरा हुआ है, मीठा है। अब फल है मीठा कैसे है? तो कहे सुखमुखाद अमृत द्रव संयुतम, इसमें तोते का मुख लगा हुआ है इसलिए मीठा है। तोते का मुख लगा है यानी सुखदेव जी का मुख लगा हुआ है, इसलिए सदा इसका सेवन करिए, सदा इसको प्राप्त करिए। एक बात मैं बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, एक बार बोलो बांके लाल की जय। सारा जोर लगा दिया करो जब जयकारी की बात आए, बांके हरिलाल की जय। संसार की सब वस्तु संसार से एक दिन हमसे छिन जाएंगे, लेकिन जो हमने ईश्वर का नाम लिया, परमात्मा का नाम लिया, वो कभी हमसे छिनने वाला नहीं है। हर चीज यही धरी रह जाएगी, लेकिन ईश्वर का नाम सदा हमारे साथ, भगवान का नाम सदा हमारे साथ। इसलिए उस परमेश्वर का यजन हमेशा करो, भगवान को हमेशा याद रखो, उससे कभी दूर मत जाओ। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रार्थना की, सूत जी महाराज आप वेद व्यास जी के परम शिष्य हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करिए और हमको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने मंगलाचरण कर कथा प्रारंभ की, तो सबसे पहले उन्होंने 24 अवतारों के बारे में बताया। संसार में 24 अवतार, सबसे पहले सनंदन सनातन संत महारादि, फिर शुक्र भगवान, नर नारायण, दत्तात्रेय भगवान, यज्ञ पुरुष भगवान, इसके बाद ऋषभदेव महाराज, प्रथु मत्स्यावतार, कूर्म अवतार, बारह अवतार, परशुराम, व्यास, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि, हयग्रीव, इस तरह से 24 अवतारों का विश्लेषण किया।
एक बार की बात, श्री व्यास जी महाराज से मिलने के लिए नारद जी गए उनके आश्रम। सरस्वती के किनारे पर उनका आश्रम बना हुआ था। उस समय की बात है जब वेद व्यास जी ने वेदों के चार भाग कर दिए थे। पहले वेद एक था, वेद व्यास जी ने उसके चार भाग कर दिए। उसके बाद उन्होंने पुराणों की रचना शुरू की, बहुत सारी पुराणें रची, महाभारत भी रचा, लेकिन संतोष नहीं आया, सुख नहीं मिला। किसको? वेद व्यास जी। सरस्वती के किनारे बैठे हैं, कंकड़ उठाते हैं, सरस्वती में फेंक देते हैं, फिर उठाते हैं, फिर कंकड़ फेंक देते हैं, जैसे कोई चिंतित व्यक्ति हो। नारद जी गए, भेंट हुई, आदर सत्कार किया। नारद जी ने पूछा, व्यास जी आपने वेदों के विभाजन कर दिए, आपने पुराणों की रचना की और बड़ा सुंदर महाभारत ग्रंथ रच दिया आपने, लेकिन मुझे लग रहा है आप खुश नहीं हैं। वेद व्यास जी कहते हैं, बिल्कुल सत्य आपने समझा, मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि मुझे अब भी ऐसा लग रहा है कि मेरे से कोई छूट गया है, कुछ वस्तु रह गए। नारद जी कहते हैं, सत्य बात है, आपसे कुछ छूट गया है। आपने बहुत कुछ गाया, लेकिन श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का गायन अभी तक आपने नहीं किया। कीचड़ युक्त कोई जलाशय हो तो राजहंस वहां नहीं आते। राजहंस कहां आते हैं? जहां निर्मल जल होता है, जहां सूक्ष्म जल होता है, वहीं पर राजहंस आते हैं। नारद जी कहते हैं, देखो, सुनो, मेरी तरफ देखो, मैं आज कौन हूं? ब्रह्मा का पुत्र, लेकिन इससे पहले मेरा जन्म जो था तो मैं कौन था बताएं आपको? मैं एक दासी का पुत्र था, विधवा ब्राह्मणी का पुत्र था। परमात्मा की भक्ति कहां ले जाती है, इस प्रसंग से आपको पता लगे। एक बार बोल दो बांके बिहारी लाल की, मैं विधवा ब्राह्मणी का पुत्र था, मेरे पिताजी मुझे बचपन में ही छोड़ करके स्वर्गवासी हो गए, मेरी मां ने मुझे पाला। कैसे पाला? किसी ब्राह्मण के घर चाकरी करके, नौकरी करके, उसके ब्राह्मण के घर कपड़े धोने, झूठे बर्तन धोने, गौशाला की सफाई करने, गाय का दूध निकालना, सेवा करनी। मां मुझे भी साथ ले जाया करती थी, मैं भी साथ चला जाता था माता के साथ। मेरी माता मेरे से बड़ा स्नेह करती थी, क्योंकि उसका कोई और सहारा नहीं था। बुढ़ापा और पति पहले से ही साया उठ गया, तो सहारा तो पुत्र ही है ना, उसको पाल रही है बड़े प्यार से। एक बार क्या हुआ कि जिस ब्राह्मण के घर मेरी मां चाकरी करती थी, उस ब्राह्मण के घर चातुर्मास करने के लिए कुछ संत आए। संतों की महिमा अगर गाने लग जाएं तो आज कथा नहीं है, पर मैं इतना ही बता रहा हूं कि संतों का संसर्ग सदा सुखदायी होता है। संतों का संसर्ग सदा सुखदायी होता है, और वो इंसान भाग्यशाली है जिस इंसान को संतों का संसर्ग है। और कहां से कहां पहुंचा देते हैं संत, ये आज कथा से सुन लीजिए। वहां के बिहारी लाल की, नारद जी ने कहा चातुर्मास करने के लिए। चातुर्मास समझते हो ना, हैं? समझते हो चातुर्मास? कौन कौन समझता है चातुर्मास? आ सकता है
धन्य है। कई बातें तो ऐसी होती होंगी जब हम कह करके आगे चले जाते होंगे आपको समझ में नहीं आती होगी। मेरी बात एक सुन लीजिए ध्यान से कि जब मैं कथा करूं कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आए बड़े हर्ष से आप चिट्ठी लिखिए मेरे पास पहुंचा दीजिए या फिर मंच से उतरूं तो पूछ लीजिए। संशय युक्त कथा कभी भी कामयाब नहीं होती है। चातुर्मास क्या होता है? अषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है ना, जिसको देव सोते हैं, पंजाब में नहीं सोते, हमारे यहां सोते हैं। वो चार महीने ब्याह शादियां सेकंड मैरिज यानी गौना सब बंद हो जाता है, कुछ नहीं होता। पंजाब में नहीं सोते। जब मैं पंजाब में आया तो मैं हमारे पूजनीय पंडित जी हरिचंद पंडित जी थे, उनसे मैंने पूछा पंडित जी यहां पर देव क्यों नहीं सोते हैं? पूजनीय पंडित जी ने कहा बेटा यहाँ के लोग मानते ही नहीं देव सोना क्या होता है, जानते ठीक देव नहीं सोते। लेकिन चातुर्मास जिस दिन से प्रारंभ होता है अषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देव सैनी एकादशी से लेकर के और कार्तिक की देव उठनी एकादशी तक चातुर्मास होता है। चार महीने चौमासा कहते हैं जिसको। जैनी संत एक जगह पर रह करके और भगवान का भजन करते हैं चातुर्मास में, कहीं नहीं जाते। मैं प्रणाम करता हूं जैनियों के संतों को कि वो आज भी बड़े संयम के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। मैं उनके संयम को उनके नियमों को प्रणाम करता हूं इस ब्याज के। तो वो चातुर्मास होता है, संत एक जगह ठहरते हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं जाते। वो चातुर्मास करने के लिए एक ब्राह्मण के घर चार संत आए। संत बड़े विद्वान थे। ब्राह्मण देवता ने उनके व्यवस्था की एकांत में, व्यवस्था में साथ में सेवा में नारद जी का जो पूर्व जन्म नारद जी थे, नारद जी को निश्चित कर दिया बेटा तुमने इनकी लंगोटी धोनी है, फूल ला के देने हैं, इनको जल ला के देना है, इनके जो मांगे वो वस्तु ला के देनी है। नारद जी ने तो अपना दिन जन्म धन्य समझ लिया। नारद जी सेवा करने लगे। सेवा करते करते बड़ा समय व्यतीत होने लगा। मन लगा करके जब सेवा करते हैं नारद जी तो संतों का उत्तिष्ट होता है उत्तिष्ट भोजन यानी झूठा भोजन। वो संत किसी को देते नहीं है लेकिन जिस पर कृपा करते हैं उसको दे देते हैं। नारद जी को वो अपना झूठा भोजन दे दिया करें, नारद जी उसको पा लिया करें और उसके पाने से नारद जी की बुद्धि कहीं से कहीं पहुंच गई। धीरे धीरे चार महीने खत्म हो गए, संतों के जाने का समय हुआ। लेकिन संत जब कथा करते थे तो संतों की कथा सुनते सुनते नारद जी व्यवल हो जाते थे, बड़े व्याकुल हो जाते थे, बड़े प्रेम से सुनते थे कथा। जब वो चलने लगे तो नारद जी ने कहा महाराज मैं भी आपके साथ चलूंगा। संतों ने कहा बेटा तेरी माँ है कि नहीं जी मैं मात पिता कुछ नहीं जानता, मेरे तो सब आप ही हैं, मेरे माता भी आप, मेरे पिता भी आप, मेरे गुरु भी आप, मेरे जीवन धन जो कुछ है सब आप हैं, अगर आप नहीं ले जाओगे तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। संतों ने कहा चलो तुम्हारी माँ से पूछ लेते हैं। माँ से पूछा, माँ ने कहा अरे महाराज जी आप कैसी बात करते हो, मेरा तो एक ही यही तो पुत्र है, मेरा पति मुझे भरी जवानी में छोड़ करके परलोकवासी हो गया, मैंने इस पुत्र पर ही सबर किया है, ये पुत्र बड़ा होगा तो मेरा सुख का सहारा बने, मैं सारे जीवन दुनिया के झूठे बर्तन साफ किए हैं, दुनिया की गंदगियां साफ की हैं महाराज, अगर आप इसको ले गए तो मैं मर जाऊंगी। अब माता कहती है मैं मर जाऊंगी ले गए तो, पुत्र कहता है नहीं ले गए तो मैं मर जाऊंगा। बड़ी चक्कर में फंस गए।
संत कहे अब हम क्या करें। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की। संतों ने सोचा क्या करें, संतों ने समझाया बेटा तुम ही मानो क्योंकि तुम्हारा दायित्व है, इस माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा है, इसके आप ऋणी हैं। हर इंसान 3 ऋणों से ऋणी है, 3 कर्जों से कर्जदार है। कोई कहे हमारे पास तो पैसा ही बहुत है, हम तो किसी के कर्जदार नहीं, लेकिन वो भी 3 ऋणों से ऋणी है। सबरा पहला पितृ ऋण है, जो हम माता पिता की सेवा करके चुकाते हैं और बाद में उनके लिए श्राद्ध आदि कर्म करते हैं, पितृ ऋण चुकाते हैं। दूसरा ऋण है देव ऋण, जो देव ऋण हम देवताओं की पूजा करके चुकाते हैं, हवना कर्म आदि करके चुकाते हैं। तीसरा है ऋषि ऋण, जो हम माला लेकर के भगवत भक्ति करके ऋषि ऋण चुकाते हैं। ये 3 ऋणों से हर कोई ऋणी है। नारद जी को समझाया और एक मंत्र दे दिया कि आप इस मंत्र का जाप करें, चिंता न करें, और जब तुम्हारी माता जी का शरीर छूट जाए तो हमसे आकर के आप मिल लेना, जरूर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे हम। उनको मंत्र दिया जिसको कहते हैं वसुदेव गायत्री। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनुरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस मंत्र को याद करा दिया, इसका जाप नित्य प्रति करो, रोजाना करो, तुम्हें हमारी प्राप्ति जरूर हो जाएगी और भगवत प्राप्ति भी होगी, ऐसा आश्वासन दे दिया। संत चले गए लेकिन नारद जी का मन साथ में ही ले गए। कुछ समय हुआ, एक दिन उनकी माँ गौशाला में दूध दोहने के लिए जा रही थी, बड़े सवेरे, कोई 5-6 बजे की बात है, अंधेरा था। कोई विषैले सांप ने माता को डस लिया और माता की मृत्यु हो गई। दुनिया तो रोती है लेकिन नारद जी तो नाचने लगे, परमात्मा ने मेरा बंधन काट दिया। घर का सारा उपकरण बेच करके माता का संस्कार आदि कर्म किया और फिर उत्तर दिशा में संतों को खोजने के लिए नारद जी दर दर की छाक हाक छान रहे, कहीं उन संतों के दर्शन हो, ऐसा मन में विचार घूम रहे। संतों के कहीं दर्शन नहीं हो, पुकार रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कहीं मिले वो संत, लेकिन संतों के कहीं दर्शन नहीं। बड़े दुखी नारद जी भगवान को पुकार रहे हैं, आइए हम भी परमात्मा को पुकार लेते हैं। बांके बिहारी लाल की, सियावर राम चंद्र भगवान की जय हो, सतगुरु दी भगवान की जय हो। परमात्मा की भक्ति मन से करो तो जरूर परमात्मा श्रवण करते हैं। आज नारद जी पुकार रहे हैं, हम भी पुकारें भगवान को। बड़ा प्यारा भजन आप सभी को शायद पसंद आए। कर में मुरली लिए हो कांधे कामर लिए, श्यामकारी आओ कुंजन में बांधे बिहारी। कर में मुरली लिए कांधे कामर लिए, श्यामकारी आओ कुंजन में बांधे।